नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री मनोहर लाल की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आप सभी मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, यही हमारी माता रानी से मनोकामना होती है। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस चमत्कारी औषधि के बारे में। जी हाँ, इसको देखकर के आप समझ गए होंगे कि मैं हल्दी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हल्दी ना जाने कितने ही गुणों से भरपूर होती है। हल्दी बहुत सी ऐसी चीज़ों में काम करती है जिनका हमें पता ही नहीं होता। हल्दी का प्रयोग भोजन में जहाँ रंग देने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, वहीं पर हल्दी के ऐसे बहुत से चमत्कारी गुण हैं जिनको आप सभी शायद ना जानते हों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से हल्दी का क्या महत्व होता है यह बताऊंगा कि किस प्रकार से हल्दी के उपाय से आप अपने घर में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने अंदर बहुत से गुणों को समा कर रखती है हल्दी। अगर हल्दी शुद्ध है तो ना जाने कितने ही रोगों को हल्दी खत्म कर सकती है। हल्दी के अंदर जहाँ पर विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, वहीं पर हल्दी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह भी गजब की होती है। अक्सर हमारे माता पिता या जो बुजुर्ग हैं, हमने अक्सर कहते सुना है कि जब अगर किसी को कभी चोट लग जाती थी तो हल्दी वाला दूध उस चोट में बेहद कारागार सिद्ध होता था। ऐसा क्यों? अगर किसी को मान लीजिए गुम चोट लग गई है तो डॉक्टर भी अक्सर यह सलाह देते हैं कि आप गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डाल करके पीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है उसके अंदर रोगों से लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। कोई भी अंदरूनी चोट हो, अगर आप गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल करके पीते हैं तो वह उस रोग को बहुत जल्दी ठीक करने की क्षमता रखती है। प्रिय दर्शकों, अगर कहीं पर मान लीजिए बाहर की चोट लगी है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ी हल्दी का लेप लगाया जाए तो उसमें भी वह काफी हद तक आराम दे सकती है। अब हम अगर बात करते हैं अपनी हिंदू धार्मिक दृष्टि से तो हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है कि हल्दी का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर शुभ होता है। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि विवाह जो होते हैं उनमें स्पेशल विशेष तौर पर एक हल्दी की रस्म होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी हल्दी को बहुत शुभ माना गया है और हल्दी का प्रयोग करने से कार्यों में आ रही अड़चने दूर होती हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको हल्दी का ऐसा टोटका बताने वाला हूं जिसको करने से आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी का वह टोटका क्या है यह मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जो भी भक्तगण चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, हल्दी के उपाय से किस तरह आप शुभ को प्राप्त कर सकते हैं? साथियों, हल्दी का यह दिव्य उपाय बहुत कम समय में आपको परिणाम दे सकता है अगर आप इस उपाय को करते हैं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि क्या है यह उपाय और किस प्रकार से यह उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, हल्दी का यह उपाय वे लोग
जरूर करें जिनके परिवारों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है, बात बात पर विवाद हो जाता है, यानी कि घर की सुख शांति भंग हो चुकी है, वो लोग हल्दी के इस उपाय को जरूर करें। आपने क्या करना है, यहां पर जितनी हल्दी मैंने इस पैकेट में ली हुई है, इतनी हल्दी आपने किसी भी पैकेट में या इसी तरह के पैकेट में आप ले सकते हैं या कागज के लिफाफे में भी आप ले सकते हैं। इतनी मात्रा में हल्दी डाल करके आपने उस हल्दी को जो है बृहस्पतिवार के दिन, जी हाँ वीरवार के दिन शाम के समय जब सूर्यास्त हो चुका हो, उसके बाद आपने किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपने वहां पर पहले तो इस हल्दी में से थोड़ा सा सात जगह पीपल के वृक्ष को तिलक कर देना है। ध्यान रखना है आपने सात बार पीपल के वृक्ष को अलग अलग स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अलग अलग सात जगह पीपल के वृक्ष को तिलक कर देना है। उसके बाद आपने वहां पर थोड़ा सा तिलक अपना भी लगा लेना है। ऐसा करने के पश्चात आप जो है हाथ जोड़ करके ध्यान करें भगवान विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का और शंकर जी का कि हे प्रभु मेरे परिवार में जो भी अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं उनको आप दूर करो, मेरे परिवार में सुख हो शांति हो, ऐसी प्रार्थना आपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से करनी है। प्रिय दर्शकों यह उपाय आपने लगातार 5 बृहस्पतिवार करना है। सूर्य छिपने के बाद शाम के समय बृहस्पतिवार को करना है, लगातार 5 बृहस्पतिवार यह उपाय कर देना है। उपाय इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से प्रथम बृहस्पतिवार का मैंने आपको बताया है। बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार आपने 5 बृहस्पतिवार इस उपाय को कर लेना है। और कभी भी आप इस उपाय को, किसी भी बृहस्पतिवार को इस उपाय को आप प्रारंभ कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस उपाय को करोगे तो आपके परिवार में भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से सुख शांति का वास होगा। क्योंकि हल्दी का यह उपाय जो मैंने आज के एपिसोड में आपको बताया है बड़ा ही कारगर उपाय, बड़ा ही अचूक उपाय है। श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिएगा और बहुत कम समय में आपको इससे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों मैं उम्मीद करता हूं आज का यह एपिसोड आप सभी भक्तों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर फिर भी इस उपाय से रिलेटेड या आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो या अन्य किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम सवाल आपके समाधान ज्योतिष के लिए अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। यह कार्यक्रम बृहस्पतिवार के दिन शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है जिसमें हम आप सभी भक्तों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आपके परिवारों में सदा सुख शांति बनी रहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
जय। बोली हरि नारायण भगवान की जय।